मोनिका सहगल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लोको पर, जो कि है इंडिया का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो। वेल, अभी वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है, आई एम श्योर आप लोग बहुत मस्ती मजाक के माहौल में मूड में होंगे और अभी आज आईपीएल का गेम भी चल रहा होगा तो, और कल संडे का दिन है और संडे के दिन में जनरली ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी बहुत रिलैक्स मूड में आ जाते हैं और हम कोई ना कोई अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते हैं उस दिन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, पर जनरली हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी हॉबी परस्यू करें। तो कभी अगर आप उस डिलेमा में हैं कि मैं क्या कौन सी एक्टिविटी ज्वाइन करूँ, तो आप अपने माइंड में तीन ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको आप एकदम फिक्स रखिए, तो आई थिंक दे विल हेल्प यू चूज व्हाट काइंड ऑफ हॉबी यू शुड परस्यू। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि आपकी एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको पैसे अर्न करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो अभी तो फोटोग्राफी का जो इंडस्ट्री है वो इतना बूम कर रहा है कि आई एम श्योर आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दैट फील्ड। सेकेंडली, आपकी एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको फिट रखे। तो आई एम श्योर आप लोग जिम जाके कई बार बोर हो जाते होंगे या काफी मोनोटोनस हो जाता है, तो फिर आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं या डांसिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आजकल तो जुम्बा भी चलता आ रहा है, तो यू नो इट यू विल हैव फन, यू लर्न समथिंग न्यू एंड एट द सेम टाइम यू स्टे फिट। एट द सेम टाइम तीसरी ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको क्रिएटिव रखे। तो आप कुकिंग सीख सकते हैं या आप पेंटिंग सीख सकते हैं या फिर आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट ही बजाना सीख सकते हैं। सो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन तीन तरह की हॉबीज अगर अपनी लाइफ में इंकल्केट करेंगे तो योर लाइफ विल बिकम मोर बैलेंस्ड। सो दिस इज मोनिकास टिपी टिपी टॉक फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू चूज व्हाट यू कैन डू ऑन संडे एंड मेक इट मोर वैल्यूएबल। हम आपको फोटोग्राफ दिखाने वाले हैं अनिल कुमार के, और उन्होंने उनके फ्रेंड के साथ ये फोटोग्राफ भेजी और कहा है इनका हाफ लोको स्क्वाड है, एट द सेम टाइम उनके विंग मैन की बर्थडे है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर विंग मैन। आई होप हमें आप उसका नाम भी बता देते तो हम लोगों ने और अच्छे से विश कर पाते, बट वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग प्रीटी वेल। दूसरी फोटो हमें आई है शोमो दास से, और वो ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बीच में लोको खेल रहे हैं। आपको सुनाई कैसे दे रहा है वहां पे, तो बड़ा शोर और नेटवर्क इश्यूज भी होता है, बट वेरी वेल, कुडोज टू यू, आप मैच खेलते खेलते हमारे गेम को एंजॉय कर रहे हैं। सो वैसे मैच से मैं याद आया कि कल हमारा LCL का आखिरी गेम है जो 6:50 पर होने वाला है, तो भूलिएगा मत, आप जरूर कल हमें 6:50 पे मिलेगा क्योंकि LCL का लास्ट गेम है। और उसी के साथ हमारा लोको का एक स्पेशल गेम भी है जहाँ पे 12 सवाल होंगे और प्राइज मनी होगी 1.5 लाख रुपए। तो आई होप ये बहुत सारे एक्साइटमेंट आपके लिए कल के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखा है। उसके अलावा जो आपके पास समय बचेगा उसमें आप अपनी हॉबी को जरूर परस्यू करिएगा। वी आर गोइंग स्टार्ट विद अ गेम फॉर टुनाइट, अ प्राइज मनी इज 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? हैमर एंड नेल्स, ब्रेड एंड बटर, गन्स एंड बुलेट्स। यार ये वार्मअप सवाल ना, मतलब इतने ऐसे पुच्ची दे दो, ऐसे सवाल होते हैं कि मजा आ जाता है जवाब देने में। पर आपने कभी देखा है कि आप भारत में किसी भी शहर में जाए तो वहां का एक स्टेपल ब्रेकफास्ट जरूर होता है? अभी के लिए फिलहाल हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं, सही जवाब है ब्रेड एंड बटर। पर अगर आप हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे ना तो आपको वहां पे पोहा जलेबी मिलेगी सुबह सुबह, गर्मा गर्म पोहा और जलेबी। वैसे ही अगर आप पंजाब में जाएंगे तो आपको पराठे मिलेंगे, महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको चाय बनमक का जरूर मिलेगा, और अगर आप कोलकाता गए तो आपको लूची तौरकरी भी मिलती है। अच्छा है ना, क्या वेराइटी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू इंडिया? गंगा, यमुना या नाइल? ये तो बड़ा ही ऐसा आसान सा सवाल है आपके लिए कि बस हम चाहते हैं कि आज सैटरडे नाइट का गेम ना आप ही जीत जाए। बिल्कुल आप और इतने ऐसे सीना चौड़ करके बोले सबको कि आज मैं लोको जीता हूँ। तो इसका सही जवाब है नाइल, एंड वी हैव गॉट अबाउट 1,11,14,000 पीपल हैव गॉट इट राइट, एंड नाइल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स इन अफ्रीका। हमने तो बचपन में पढ़ा था ना कि नाइल सबसे लंबी रिवर होती है और इट फ्लोज थ्रू 11 कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। सो वी आर गोना मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, What is the mascot for Energizer batteries? Energizer bunny,
एनर्जाइजर हॉर्स या एनर्जाइजर डॉग। अब हम लोग कितना टीवी देखते हैं और टीवी के बीच में कंटेंट कम, मतलब सीरियल्स या कोई इवेंट कम और एड्स ज्यादा आते हैं, तो उन एड्स के बीच आपने ये वाला एड जरूर देखा होगा जिसमें आपको ये एनर्जाइजर बैटरीज का मैस्कॉट दिखा है। द मैस्कॉट इज एनर्जाइजर बनी, जो एक पिंक कलर का छुटकू सा रैबिट होता है ना, जो इधर उधर ऐसे फटाफट घूमता है और ड्रम्स बजाता है। वैसे बैटरीज हम लोग बचपन में बड़ी यूज किया करते थे, वॉकमैन के लिए यूज करते थे, कभी रिमोट के लिए यूज करते थे, आजकल तो सिर्फ बेचारा रिमोट बचा है जो बैटरी में चलता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज यश चोपड़ाज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर? रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान या वीर जारा? Let me tell you कि less than a month before this film's release, Mr. Chopra passed away due to dengue fever. And बड़ा वैसे तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, और हमने भी आपको अनाउंस कर दिया था कि ये हमारा कल रात का लड्डू था। So the right answer for you is जब तक है जान। And he founded the popular film production यशराज फिल्म, जिसे कि YRF जरूर कहा जाता है। YRF को देख के हम सबके दिल में आता है ना कि यार मुझे भी एक्टर बनना है, मैं भी एकदम ना यशराज की फिल्म करना चाहता हूँ। It's a pride, it's an honor. Question number 5. Adam's Bridge is located between India and which other country? Sri Lanka, Bhutan या Myanmar? इन सब इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने